हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। एक शॉर्ट्स डाली थी जिसमें मैं रो रही थी क्योंकि थोड़ी सी परेशान थी, तो हाँ थोड़ी डिप्रेस्ड थी इन दिनों, और इसीलिए हफ्ते भर से ज़्यादा ही होने को आया व्लॉग नहीं आ रहा था। तो फाइनली आज से व्लॉग फिर रेगुलर आना शुरू हो जाएगा। और इन एक हफ्ते के दौरान मैंने क्या किया, मैं कहाँ बिज़ी रही, क्या कुछ चल रहा था लाइफ में, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा इन दिनों का जो हफ्ते भर का व्लॉग है वो जोड़ के बनाई हूँ। तो व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, हम भी ठीक हैं। बस काम में निकले हैं और रास्ते में ही ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। दिन भर जो होगा सब कुछ दिखाएंगे, तो आखिर तक बने रहिएगा। फिलहाल मैं सियालदा कोर्ट के बगल से जा रही हूँ। ये सियालदा कोर्ट का बिल्डिंग है, लेकिन सियालदा कोर्ट नहीं जाना है, यहाँ से मुझे बस लेना है, इसलिए मैं सियालदा आई हूँ। जाऊंगी बहुत दूर यहाँ से। चलिए बने रहिए, बस ले लूँ, पहुँचूँ जहाँ पहुँचना है, फिर आराम से बातें करती हूँ, क्योंकि यहाँ शोर शराबा भी है। आवाज़ पता नहीं क्लियर आएगा कि नहीं। स्टार्ट कर दी हूँ ब्लॉग, बस बने रहिए। मिलती हूँ थोड़ी देर में फ्रेंड्स, फिर से बस ले लूँ। फ्रेंड्स बस से उतर गए, डलहौजी की तरफ आए हैं, और अभी काफ़ी देर से पैदल चल रहा है। धूप इतना है ना, गर्मी से अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी थोड़ा फुटपाथ से जा रहे हैं बोल के, पर शेड मिला है। इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि अभी तो दिन की समझिए शुरुआत ही हुई। अभी 11:40 हो रहा है सुबह, गर्मी की वजह से अभी ही मेरा तबीयत ख़राब लगने लगा। बस में भी नहीं शूट कर पाए क्योंकि बैठने का जगह ही नहीं मिला, खड़े खड़े आए, और खड़े रहने से ही ना बस हाथ से पकड़ना पड़ता है ना इस तरह से, ऊपर हाथ भी दर्द होने लग गया है। इतना सारा तो बीमारी लेके चलते हैं, क्या ही करें। दिन भर बहुत सारा तो काम था, लेकिन अब सोच रहे हैं यहाँ का काम ख़त्म करके घर चले जाएंगे, नहीं सकेंगे आज, तबीयत ठीक नहीं लग रहा अभी। फिलहाल जा रहे थोड़ा हाई कोर्ट कुछ काम से, वो काम करके निकलेंगे, फिर आज के लिए घर ही जाएंगे। ये देखिए हाई कोर्ट पहुंच गए। सियालदा कोर्ट तो बहुत बार गए हैं ना फ्रेंड्स, इतना सुंदर नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट जो है ना बाहर से बहुत सुंदर है। रुकिए अभी बिल्डिंग आपको ऊपर से दिखाती हूँ, आगे जाके अच्छा लगता है देखने में। कहाँ कहाँ दौड़ा रही है ज़िंदगी, कोर्ट कचहरी यही सब चक्कर लग रहा है, लेकिन खैर ज़रूरी भी होता है कभी कभी ये सब कुछ करना भी, तो कर रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यही है हाई कोर्ट। बाहर से बड़ा सुंदर है, अंदर भी कोर्ट में ना अलाउड तो है नहीं, लेकिन सब एसी रूम है, बहुत अच्छा है क्योंकि बड़ा कोर्ट है ना, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। पहली बार ही देख रही हूँ ये सारी चीज़ें जीवन में। रुकिए पीछे से आपको दिखाते हैं अच्छा से बिल्डिंग, ये देखिए तो सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है और बहुत बड़ा भी है। फिलहाल इसी में अंदर जाएंगे, लेकिन इस तरफ से। चलिए अब काम करके निकले, इसके बाद फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अंदर तो अलाउड है नहीं कैमरा। हाई कोर्ट का काम करके निकले ही थे, और ऐसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर ही जाने का सोचे थे बाकी जो भी दिन भर का काम है वो दूसरे दिन करूँगी। लेकिन बस में बैठी ही हूँ कि तब तक आदि का फ़ोन आता है, और वो कहता है मम्मा आप कहाँ हैं, घर आ जाइए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कई बार उल्टी हुई है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, मतलब डायरिया टाइप का हो गया, और तबीयत बहुत बिगड़ गया है उसका। बस इतना सुन के तो और परेशान हो गई, जल्दी जल्दी घर गई, उसके लिए सारी जो भी दवाइयाँ हैं उल्टी वगैरह की दवाई ओआरएस सब कुछ लेते हुए घर गई।
उसकी देखभाल में ही एक दो दिन और निकला और मेरा मन भी ठीक नहीं था तो शूट कुछ नहीं की थी। और इसके बाद एक दो दिन के बाद फिर से मैं हाई कोर्ट जब गई हूँ तब फिर अगला व्लॉग आप लोगों को दिखाती हूँ। सब कुछ इसी तरह तोड़ तोड़ के है और मेरी परेशानी की वजह क्या है वो भी मैं अब मेरा मूड क्योंकि थोड़ा ठीक हो चुका है। डिप्रेस्ड जब थी ना तो मुझे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ ये सारी चीज़ें वीडियो बनाना वगैरह, लेकिन अब स्टेबल है तो अब रेगुलर व्लॉग भी आएगा। चलिए अगले दिन का देखते हैं व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, ये फिर आप जो देख रहे हैं ये फिर से दूसरे दिन का व्लॉग है। मतलब सारे व्लॉग्स जो है ना अधूरे अधूरे हैं, सब कुछ सोच रही हूँ जोड़ के बना दूंगी तो इसीलिए। एड्रेस चेंज हो गया तो समझ सकते हैं, अभी भी मैं हाई कोर्ट के सामने ही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि फिर ये दूसरे दिन का है व्लॉग। कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है ना बहुत झमेला वाला होता है, क्या ही बताएंगे। बस जैसे भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और मुझे मुक्ति मिले तब बच जाऊँ मैं जीवन में, और अच्छा नहीं लग रहा। आ रहे हैं अब वापस घर की ओर, सुबह से आओ और शाम हो जाता है पता है। पीछे हाई कोर्ट शायद आपको दिखा होगा। अब बस लेंगे और घर जाएंगे। ये सब चक्कर ही ऐसा होता है कोर्ट कचहरी का कि एक दिन में तो होना नहीं है, चलते ही रहता है चलते ही रहता है, और ज़बरदस्ती का हेडेक होता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी हो सके इन सारी चीज़ों से मुझे निजात मिले, एक पीसफुल लाइफ आगे लीड कर सकूँ, यही कोशिश है। चलिए ये ब्लॉग भी अधूरा रहेगा, फिर मिलूँगी, अगला क्लिप शायद आपको दिखाऊँगी फिर किसी और दिन जब आऊँगी, क्योंकि आना ही है अभी काफ़ी बार। यहाँ मिलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखिए कोलकाता का नेताजी इंडोर स्टेडियम, ये वाला है इंडोर स्टेडियम, मतलब अंदर होता है जो भी कुछ है। और इसी के बगल में आगे जो आपको दिख रहा है उधर है ईडन गार्डन जिसमें क्रिकेट का मैच वगैरह होते रहता है। और फिर आगे से इधर सामने से लेफ्ट घूम जाएंगे तो हाई कोर्ट आता है, और इस तरफ आगे देखेंगे तो बाबूघाट जो गंगा जी है सामने। बस इस तरफ आई हूँ तो सोची आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कोलकाता के बाहर के हैं। तो ये खड़ी हूँ मैं नेताजी इंडोर स्टेडियम, मैं बस का वेट कर रही हूँ, बस के लिए खड़ी हूँ तो सोची चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो अब आप लोगों को बताते हैं कि क्यों हाई कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ। नए व्यूअर्स के लिए थोड़ा शुरू से बताना पड़ेगा कि सियालदा कोर्ट में मैंने मेंटेनेंस का केस डाला था 2016 में, और 2016 से 2024 लग गया, इतने साल लग गए, 8-9 साल इस केस को जीतने में। 2020 में ही मैं ये केस जीत गई थी और ऑर्डर मेरे ही फेवर में आया था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने इसको चैलेंज किया अपर कोर्ट में, तो फिर उसमें भी लग गए कई साल। और अभी 2024 में फिर से अपर कोर्ट से भी मैं ही केस को जीत गई हूँ, कि मतलब अब उसके पास ऑप्शन नहीं है पैसे देने के अलावा, अगर पैसे नहीं देगा तो जेल जाएगा, इस तरह का ऑप्शन अब मतलब सिचुएशन चल रहा था सियालदा कोर्ट में। तो अब इस चीज़ से फिर से बचने के लिए उसने डिवोर्स का केस फाइल किया है, और उस डिवोर्स के केस को फाइल किया है, अच्छी बात है। वैसे भी मुझे भी कोई हार्दिक इच्छा नहीं थी उस इंसान के साथ रहने की, लेकिन उसने डिवोर्स केस जो फाइल किया है उसमें कुछ ऐसे सीरियस एलिगेशंस मेरे अगेंस्ट लगाए हैं जिसके बाद मैं इस इंसान को अभी तक माफ़ किए जा रही थी, और मैं सोच रही थी मुझे भी मुक्ति मिले ये सारे कोर्ट केस वगैरह के चक्कर से, तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी सब कुछ विड्रॉ करूँगी और एक पीसफुल लाइफ आगे लीड करूँगी, लेकिन उसने जो एलिगेशंस लगाए हैं उसके बारे में भी आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर बताऊंगी। और इसके बाद मैं अपना डिसीजन थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, और इस इंसान को अब सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये व्लॉग तो ख़त्म करने आ गई हूं इसीलिए बाय कर रही हूं, लेकिन जो भी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी सिंगल मदर्स, और आप लोग कोर्ट कचहरी में फंसी हैं, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बताऊँगी कि कैसे आप क्या कुछ कीजिए आगे के स्टेप्स में कि आप जीत सको अपना ये केस
और जो गलत इंसान है उसको माफ़ी नहीं बल्कि उसको सज़ा ही दिलाने की ज़रूरत होती है, वरना वो लोग शांत बैठते नहीं हैं। वो कहते हैं ना, गली के कुत्तों वाली हालत है, गली के कुत्ते जब तक गली में भौंके तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वही कुत्ता आपके घर में घुस जाए तो बहुत ज़रूरत हो जाती है कि उसको मार मार के खदेड़ के घर के बाहर निकाला जाए। एनीवेज फ्रेंड्स, आज यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले व्लॉग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो कुछ भी दिखाऊंगी लाइफस्टाइल के साथ, थोड़ा थोड़ा मैं अपना केस रिलेटेड भी आप लोगों को जानकारी देती रहूंगी ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके, जो भी मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो सिंगल मदर्स है। आज के लिए फ़िलहाल यहीं तक, मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे।